रास्ता पूरा लंबा है, बढ़िया से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। कार की डिलीवरी लेते ही या कई बार डिलीवरी के वक्त भी हमें कई सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं और कई एक्सीडेंट सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ड्राइवर ने ऐसा किया कैसे। टाटा मोटर्स की हाईएस्ट सेलिंग कार टाटा नेक्सॉन ने अपने हुए कई सारे एक्सीडेंट्स में पैसेंजर को सेफ रखा है और एज अ कार टाटा नेक्सॉन ने हर बार अपना काम बखूबी किया है और अपनी 5-स्टार सेफ्टी को भी हमेशा जस्टिफाई करते आई है। रिसेंटली चैनल पर टाटा नेक्सॉन पर गोली चलने का वीडियो भी शेयर किया गया था जो डैश कैम में भी रिकॉर्ड हो गया। अमेजिंगली नेक्सॉन ने वहाँ पैसेंजर्स को सेफ रखा और ओनर के साथ मुझे और बाकी व्यूअर्स को भी काफ़ी हैरान किया। अगर आपसे वो वीडियो मिस हुआ है तो ऊपर आई बटन से वो वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही और भी कई सारे अनबिलीवेबल एक्सीडेंट टाटा नेक्सॉन के हम चैनल पर देख चुके हैं जिन पर बिलीव करना भी मुश्किल होता है कि पैसेंजर वहाँ सेफ रहे होंगे, पर ऐसे कई एक्सीडेंट्स में ये कार पैसेंजर्स को बचाते आई है जिसमें कई बार उनकी गलती रहती है और कई बार नहीं भी रहती थी। आज ऑलमोस्ट न्यू टाटा नेक्सॉन का एक ऐसा ही एक्सीडेंट सामने आया जिसकी डिलीवरी के कुछ समय बाद गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि नेक्सॉन यहाँ कुछ इस तरह की पोजीशन में दिखाई देती है, ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा हुआ कैसे। क्या ये कार की डिलीवरी लेते वक्त ही शोरूम से गलत उतार दी या कुछ और? मिस्टर खान ने कर्नाटका से टाटा नेक्सॉन का एक ऐसा ही वीडियो और कुछ पिक्चर शेयर करी हैं और डिटेल्स दिए हैं जो वाकई काफी हैरान करता है। आप भी इंस्टाग्राम फेसबुक पेजेस को फॉलो करके एक्सीडेंट के डिटेल्स भेज सकते हैं। इस एक्सीडेंट में एज रिपोर्टेड टाटा नेक्सॉन उड़कर इस पोजीशन पर पहुंची है। जैसा आपने सही सुना, उड़कर जंप करके यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों तक कार पहुंची है। रोड के दूसरी तरफ साइड रेलिंग और एंगल्स को तोड़ते हुए गाड़ी ने बड़ी जंप ली और इस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नीचे पहुंच गई। ये पिक्चर्स और वीडियो अपने आप में काफी हैरान करते हैं कि ड्राइवर ने ऐसा किया कैसे। वहाँ से वो कान ऐसे उड़ी है जो वहाँ कान में मार को इतना पूरा लंबा बढ़िया से। पर फिर भी इस तरह के एक मेजर एक्सीडेंट के बाद भी भले ही ड्राइवर ने अपना काम सही से ना किया हो, पर एक बार फिर टाटा नेक्सॉन ने अपना काम पूरी शिद्दत के साथ किया है। जहाँ कार के एयरबैग्स खुले दिखते हैं, ए पिलर्स इंटैक्ट दिखते हैं, केबिन पिक्चर्स में सही दिखाई देता है और ड्राइवर भी यहाँ सेफ रहे। नेक्सॉन के फ्रंट में कुछ डैमेजेस देखी जा सकती हैं जो जाहिर से बात है आनी ही थी क्योंकि है तो ये भी एक कार ही। पर कुछ लोग ऐसे एक्सीडेंट्स कर बैठते हैं कि ये कार कम और ट्रांसफॉर्मर मूवी के कैरेक्टर्स ज़्यादा नज़र आती है। सो ऐसे हैवी ड्राइवर्स काफ़ी खतरनाक लोग होते हैं और ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोग के लिए भी ये एक थ्रेट पैदा करते हैं। लकीली यहाँ कोई दूसरी गाड़ी या पर्सन इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं हुआ। सो इस तरह से कार बिल्कुल ना चलाए क्योंकि हाई स्पीड में टाटा नेक्सॉन तो क्या, बड़े बड़े ट्रक ख़त्म हो जाते हैं और नए ड्राइवर्स को स्पेशली सावधानी बरतना ज़रूरी है अपनी नई कार्स के साथ। तो दूसरों की गलती जैसे बुलेट यानी गोली, ट्रक या खाई से तो शायद नेक्सॉन फिर भी आपको कई बार बचा ले, पर हाई स्पीड पर नहीं बचा पाएगी जो हम पहले भी देख चुके हैं। इसलिए अपनी स्पीड पर काबू रखें और सावधानी से कार चलाएं, चाहे आप कोई भी कार चला रहे हो, और ऐसे एक्सीडेंट ना कर बैठें जहां हमें सोचना पड़े भाई ये किया कैसे। काफ़ी समय पहले बलेनों को भी उड़ाकर एक पर्सन ने घर की छत पर पहुंचा दिया था। तो कार को कार रहने दें और ड्रोन ना बनाएं और एरोप्लेन की तरह इसे ना चलाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इन वीडियोस को आगे शेयर जरूर करें ताकि आपके परिचित बाकी लोग भी सेफ कार और सेफ ड्राइविंग की इंपॉर्टेंस समझ सकें। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।